दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में गर्मी का जो पारा है वो हाई लेवल पर है। अगर बात करें बाड़मेर की तो बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर है। यहाँ पर कल की बात करें तो कल 51 डिग्री से पार तापमान जा चुका है और इसी को देखते हुए प्रशासन और जो भामाशाह है उनके द्वारा अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पर टेंट लगा, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि टेंट की व्यवस्था की गई है। साथ साथ यहाँ पर भामाशाह तन सिंह चौहान जनसेवा संस्थान के द्वारा यहाँ पर छांव पानी के साथ साथ ग्लूकोन डी की व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर कूलर भी लगाए। और बात करें अगर बाड़मेर की तो बाड़मेर लगातार पिछले कई दिनों से हीट वेव के साथ साथ तेज गर्मी का पारा भी है जो बढ़ता जा रहा है। और लगातार यहाँ पर जो प्रशासन के साथ साथ भामाशाह है वो भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अगर बात करें आज की तो यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं। बड़े बड़े कूलर के साथ साथ पानी के साथ साथ ग्लूकोन डी की व्यवस्था भी की गई है। जो यहाँ पर लोग जो गर्मी में इधर से जो शहर का मुख्य मार्ग है यहाँ से लोग गुजर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और रुकने के बाद ही ग्लूकोन डी के साथ साथ बड़े बड़े कूलर हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो है हवा खा रहे हैं तो देखिए किस तरीके से गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। तो और ग्लूकोन डी के साथ साथ पानी की और ठंडे पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरीके से शहर में अलग अलग जगहों पर भामाशाहों द्वारा प्रशासन द्वारा अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है तो यहाँ हमारे साथ में हैं तन सिंह जी हैं। तो सर आज किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? आज बाड़मेर हमारे स्वर्गीय तन सिंह चौहान साहब भामाशाह उनके सुपुत्र जोगिंदर सिंह राजेंद्र सिंह दोनों ने अच्छी व्यवस्था की है। बाड़मेर कोतवाली थाने के पास और कलिंगा होटल के पास में और कई अन्य गौशाला में ऐसी व्यवस्था और भी कर रहे हैं और आगे प्रयास रहेंगे आगे अच्छे। बाड़मेर में अगर लगातार जो है पारा वो 51 डिग्री के बाहर जा चुका है, गर्मी को देखते हुए प्रशासन को भी क्या व्यवस्थाएं करनी है? किसे साथ साथ भामाशाह तो आए भी रहे हैं, ये प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रशासन से टेंट भी लगवानी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और हर गली में हर मोहल्ले के अंदर, और भामाशाह सब अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। और तन सिंह जी ने अच्छे अच्छे हमारे काम किए, पहला भी अच्छे काम किए और आज उनके सुपुत्र दोनों भी अच्छे काम कर रहे हैं। हर जगह अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था गौशाला में और अन्य गरीब लोगों के लिए सेवा में सब हर सब आगे आते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भामाशाह आगे आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की गई है। तो यहाँ पर भामाशाह तन सिंह चौहान के सुपुत्र जोगेंद्र सिंह चौहान ने जो जनसेवा संस्थान है उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाएं की है और पानी के साथ साथ ग्लूकोन डी भी है। यहाँ पर बुजुर्ग आए हुए बाकी नाम है कहो गाँव बेसाड़ा। आज गर्मी केड़ी है? गर्मी घनी है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। तो आज व्यवस्था करी है केड़ी लागी दोनों सेवा पानी रीनी बढ़िया लागी? बढ़िया लागी, व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन सरकार ने कहना तो व्यवस्था करनी चाहिए जरूर। यहाँ पर काफी युवा भी हैं, आप क्या कहना चाहोगे सर गर्मी को लेकर? बहुत तेज गर्मी है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। 50 डिग्री की गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं और जगह जगह पर जो भी ये सुविधा होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? सर गर्मी बहुत है, बहुत अच्छे किए जोगिंदर सिंह ने, ऐसे होने चाहिए सर, इसकी जगह पर जगह जगह पर होने चाहिए सर, इसके लिए तो बहुत अच्छे है सर। देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कूलर के बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, ग्लूकोन डी की व्यवस्था की गई, साथ साथ पानी की है। हम हमारे चैनल के द्वारा लोगों से अपील करना चाहेंगे कि बिना आवश्यक कारण घर से बाहर नहीं निकले और जो है भामाशाह है और प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे कि जगह जगह पर पानी छांव के साथ साथ ग्लूकोन डी की भी व्यवस्था करवाई जाए। धन्यवाद।